है, रिकार्डो का जन्म कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था पहली बात तो 1772 में, ठीक है। ही बिलोंग्ड टू अ ज्यूइश फैमिली, यहूदी परिवार से वो बिलोंग करते थे, और जो कि मूल रूप से हॉलैंड में रहते थे। बहुत ही टैलेंटेड थे रिकॉर्डो। 14 वर्ष की आयु में ये बिजनेस में प्रवेश करते हैं ये। और इनके जो पिता थे वो स्टॉक ब्रोकर थे। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। और ये बहुत ही जल्दी, बिकॉज़ जो घर का इनका माहौल था वो इसी तरह का था, बिजनेस का था, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का था, तो बहुत जल्दी ये जो है अपने आप को एक लैंडेड प्रॉपरेटर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। लैंडेड प्रॉपरेटर मतलब बहुत सारी ये ज़मीन बना चुके होते हैं अपने पास, ठीक है, ज़मींदार टाइप में, ठीक है, बहुत सारी ज़मीनों के ये मालिक होते हैं। और जैसे नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी है तो वो लोगों को या मजदूरों को अपनी ज़मीन पर काम करने की इजाज़त देते हैं, और इसके बदले में उनको अपनी फसल या जो भी उसमें वो खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं उसका उनको प्रॉफिट या रेंट उनको मिलता था, ठीक है। वेजेस तो जाएंगे आपके लेबरर्स को, ठीक। तो बहुत जल्दी ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और ये जो है अपने काम से मतलब कि सारी ज़िंदगी ये सब करने के बाद पार्लियामेंट के सदस्य भी ये रह चुके थे वहाँ पर इंग्लैंड में। तो इसके बाद इन्होंने ये सारा काम करने के बाद ये अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने नॉलेज को बुक्स वगैरह में, ऐसे में, ठीक है, पैम्फलेट्स वगैरह के ज़रिए पब्लिश करना ये शुरू करते हैं, और जिसके वजह से इनको काफ़ी जल्दी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख कार्य है, जिसे आप कहते हैं हिज मेन, मेरी आवाज़ जा रही है ना? हेलो, यस मैम। ओके, ठीक है। उनकी जो मेन कंट्रीब्यूशंस हैं इकोनॉमिक्स में, या जो खास तौर से इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता था, क्योंकि आप जानते हैं ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो इनके जो थॉट्स थे, इनके जो काम थे, विचार थे, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इकोनॉमिक से ही रिलेटेड था। मिक्स इनका जो भी कॉन्सेप्ट होता था मिक्स्ड होता था, उसमें पॉलिटिक्स के भी कॉन्सेप्ट या विचार या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते थे, ठीक है। तो इन ही वाज फेमस एज पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, राजनीतिक अर्थशास्त्री थे ये, ओके। तो हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेकेंड है द हाई प्राइस ऑफ बुलियन, अ प्रूफ ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक नोट्स, द हाई प्राइस ऑफ बुलियंस, अ प्रूफ ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक नोट्स,
ये पब्लिश हुई थी 1800 में, ठीक है। देन 1811 में एक इनका पब्लिकेशन आया था, दैट वाज रिप्लाई टू मिस्टर बोजांक्वेट, बोजांक्वेट्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ दी बुलियन कमिटी। एक लेटर था बेसिकली जो कि पब्लिश हुआ था, रिप्लाई टू ऑब्जर्वेशंस ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द बुलियन कमेटी। ठीक है, तो इस पेपर के या इस रिप्लाई के कॉन्सिक्वेंट में फलस्वरूप उनके जो रेपुटेशन है, उनको जानने वाले लोग जो हैं उसमें और बढ़ोतरी हो गई। देन 1815 में उनका एक और पब्लिकेशन आया, एंड दैट वाज एसे ऑन दी एसे ऑन दी इन्फ्लुएंस ऑफ अ लो प्राइस ऑफ कॉर्न। इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ स्टॉक, प्रॉफिट्स ऑफ स्टॉक। और 1816 में प्रपोजल्स फॉर एन ओके दिस वाज पब्लिश्ड इन 1815, ठीक है। देन क्या पब्लिश हुआ, प्रपोजल्स फॉर एन फॉर एन इकोनॉमिकल एंड सिक्योर करेंसी। सिक्योर करेंसी ये हुई थी 1816 में, पब्लिश हुई थी। देन इनकी जो बाद में सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ एंड टैक्सेशन पब्लिश हुई थी 1817 में। फिर ये देखिएगा, यहाँ पर टैक्सेशन का नाम आ रहा है, और टैक्सेशन कौन निर्धारित करता है, आपका जो गवर्नमेंट बॉडी है वो निर्धारित करता है ना। टैक्स क्या मतलब, टैक्स एक ऐसा हेड है जो क्लियरली दिखता है कि ये इकोनॉमिक्स के परव्यू में भी आता है और आपके पॉलिटिक्स में भी आता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी हम इनको क्लियरली इनको देख सकते हैं कि ही वॉज अ पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट। और 1822 में इनका एक पैम्फलेट जारी हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। दीज वर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिकॉर्डो इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्होंने जो कुछ ख़ास बातों की चर्चा की है वो क्या है, तो हम यहाँ पर एक नया पेज खोलते हैं। ये आपने नोट कर लिया है यहाँ इतना? यस मैम। ओके हेडिंग आप लोग डालिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसमें जो रिकॉर्डो है वो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं सबसे पहली बात? तो वितरण, वितरण के जो समस्याएं हैं या जो वितरण के सिद्धांत हैं उसको डील करते हैं रिकॉर्डो। ठीक है, उनका जो मेन एरिया ऑफ थिंकिंग है रिकॉर्डो का वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि इकोनॉमी में जितना भी नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, अर्थात अगर रियल टर्म्स में बात करें, जितना भी उत्पादन हो रहा है सेवाओं का, वस्तुओं का, उसके द्वारा जो नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, आय सृजित हो रही है, उसका वितरण कैसे हो रहा है समाज के डिफरेंट वर्किंग क्लास में। ठीक है, जैसे कि आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या आता है, लैंड आता है, लेबर है, देन एंटरप्रेन्योर है और कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल की बात अगर हम ना करें, एंटरप्रेन्योर तक ही बात करें, तो किस तरह से उस नेशनल इनकम का, उस नेशनल नेशनल प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो इसे हम वितरण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसी को डील करते हैं खास तौर से जो रिकॉर्डो हैं। ठीक है, तो डेविड रिकॉर्डो वितरण संबंधी सिद्धांतों को या वितरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, और इनका एक कोटेशन यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ कि उन्होंने एक बार एक लेटर लिखा हुआ था माल्थस को, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था पॉलिटिकल इकोनॉमी यू थिंक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। आई थिंक रादर इट शुड बी कॉल्ड एन इंक्वायरी इन टू द लॉज टू द लॉज which determine the division
द प्रोड्यूस ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री अमोंग द क्लासेस हु कॉन्कर इन इट्स फॉर्मेशन. ठीक है, तो हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो आपने यहाँ या देखा कि ये है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ. ठीक है, ये क्या है, ये आपके एडम स्मिथ की जो बुक है उसी का टाइटल है. तो ये सारे क्या है, उसके उन्हीं के फॉलोअर्स ही हैं एडम स्मिथ के. ठीक, तो जो रिकॉर्डो है इन्होंने माल्थस से कहा कि आपको ऐसा लगता है, बट मुझे तो लगता है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो एक्चुअल में क्या है, वो डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस और द जो भी हमने अप्रोप्रिएट किया है नेशनल प्रोडक्ट, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना. डिवीजन मतलब उसको हम कैसे विभाजित करते हैं, उसका वितरण किस तरह से करें, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अमॉन्ग दी क्लासेस हु कॉन्कर इन द फॉर्मेशन, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने ये जो नेशनल इनकम जनरेट किया है उसको कैसे वितरित किया जाए, क्या मतलब जो लेबर है उसको हम कितना नेशनल प्रोडक्शन में से उनको उनके लिए दें, क्या वेज रेट होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट होना चाहिए, एक्सेट्रा. ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, इसके बाद जो है अच्छा, इन्होंने जो वितरण को समझाया उसमें इन्होंने डिफरेंट नाम दिए. ही नेम्ड दीज शेयर्स एज रेंट प्रॉफिट एंड वेजेस एंड हैज डिक्लेयर्ड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉ विच रेगुलेट देयर प्रपोर्शन इज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो ठीक है, तीन चीज़ों की इन्होंने बात की कि जो नेशनल प्रोडक्ट है उसको किस किस रूपों में दिया जाएगा, रेंट प्रॉफिट एंड वेजेस, है ना. अभी मैंने ऊपर क्या कहा था, तीन चीज़ों की बात की थी, क्योंकि कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को एक ही चीज़ उन्होंने वे मान लेते हैं. ये लैंड पे मिलेगा रेंट, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर और कैपिटल पे मिल जाएगा, और लेबर्स को वेज मिलेगा. ठीक है, तो ये मिलेगा, डिक्लेयर उन्होंने कर दिया कि दीज आर द शेयर्स, दीज आर द शेयर्स, और जो लॉ इन्हें निर्धारित करता है वही लॉ जो है द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इन दी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, प्रिंसिपल प्रॉब्लम. और जो सब प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे प्रोडक्शन हो, क्या वेल्थ है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, दोज आर सेकेंडरी. ठीक है, उनको उनके वो जो प्रॉब्लम है उस पर बात करने से पहले हमें वितरण के सिद्धांतों पर चर्चा करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिकॉर्डो. ओके, देन वी विल कम टू दी थ्योरी ऑफ वैल्यू. वो ये जो रिकॉर्डो हैं वो मूल्य के सिद्धांत पर क्या कहते हैं. मूल्य का सिद्धांत क्या होता है कि दो तरह के मूल्य होते हैं. एक तो वस्तु का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है,
इंट्रेंसिक वैल्यू जो अंतर्निहित मूल्य होता है, और दूसरा एक होता है मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। ठीक है, तो उसी को जो रिकॉर्डो है उसको एक नाम देते हैं नेचुरल एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू को रिकॉर्डो नेचुरल वैल्यू कहते हैं, और जो मार्केट वैल्यू है जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होती है उसको बाज़ार मूल्य या बाज़ार कीमत कहा जाता है। ठीक है, तो ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन दी वैल्यू। दो तरह के वैल्यू हैं, पहला है नेचुरल वैल्यू और दूसरा है मार्केट वैल्यू। प्राकृतिक मूल्य या बाजार मूल्य। तो प्राकृतिक मूल्य या जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो क्या होती है? प्राकृतिक मूल्य इंट्रेंसिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसका ये मतलब है जैसे कि कोई जो वस्तु है उसकी अपनी एक क्या कहेंगे, उसका अपना एक गुण होता है, अपनी एक शक्ति होती है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषता होती है। जैसे कि मान लीजिए पानी की अगर हम बात करें, तो पानी का एक गुण है, उसमें एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है कि वो आपकी प्यास को बुझा देगा। ठीक है, तो ये तय करता है कि उसके उसका नेचुरल वैल्यू कितना है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आप कहें कि हम एक रोटी खा ले, दो रोटी खा ले, तो वो आपकी प्यास को नहीं बुझा पाएगा, इनफैक्ट में भी और बढ़ा दे। ठीक है, तो ये जो वस्तुओं का एक अंतर्निहित गुण होता है ये उसका उसका नेचुरल वैल्यू होती है, उसकी प्राकृतिक कीमत होती है, उसका वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे हर एक इंडिविजुअल का एक वैल्यू होता है, उसी तरह से वस्तुओं का भी, वस्तुओं की भी वैल्यू होती है। लेकिन अब हम बात करें अगर मार्केट वैल्यू की, तो ये जो मार्केट वैल्यू है या जो प्राइस इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में साफ साफ, तो ये जो प्राइस है, जैसे नेचुरल वैल्यू को आप यूटिलिटी कह सकते हैं, ठीक है, यूटिलिटी कह सकते हैं, और मार्केट प्राइस को, मार्केट वैल्यू को आप प्राइस कह सकते हैं। तो ये जो प्राइस है या जो मार्केट वैल्यू है, इट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ओके, जैसे कि पानी का उदाहरण मैंने लिया था, तो पानी की जो यूटिलिटी है, जो उसका इंट्रेंसिक नेचर है या जो उसका गुण है, इट इज ह्यूज। ठीक है, पानी के बिना, ये जैसे एयर है, वाटर है, इसके बिना आप मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, एयर की अगर हम बात करें तो ये बहुत अब्यूंडेंस में है। ठीक है, कहीं कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर भी एयर प्योरीफायर आ गया, यू नीड टू पे सम प्राइसेस टू गेट अ क्लीन एयर। ठीक है, पानी का जो मार्केटाइजेशन है वो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन उसके पहले क्या थी, पानी फ्री आती थी। ठीक है, हम लोग स्टेशनों में वगैरह वगैरह में आसानी से वहाँ पे जो नल में पानी आता था उसको पी लेते थे, और इतना नहीं सोचते थे कि इसमें वायरस है तो क्या बैक्टीरिया है तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते थे। लेकिन अब नहीं पियेंगे हम, आप लोग भी नहीं पियेंगे, मैं भी। तो लेकिन इसका जो गुण है कि ये आपको आपको श्वसन प्रदान करेगा, आप सांस ले पाएंगे, और ये आपकी प्यास बुझाएगा। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन वो जो है उसकी सप्लाई जो है क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में अब्यूंडेंट थी, इस वजह से एट द बिगिनिंग इट वाज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन के वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, उस वो जो ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल्स हैं, ये धीरे धीरे मार्केट मैकेनिज्म में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज़ इनकी जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, क्योंकि फ्रेश एयर हमको चाहिए, फ्रेश पानी चाहिए, तो उनकी सप्लाई जो रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है, अब ये मार्केट में आना शुरू हुए हैं। एनीवे, तो जो प्राइस है वह सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से डिटरमिन होती है। क्लियर? जो चीज़ पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थी लेकिन
बहुत वैल्यूएबल थी, आज भी वैल्यूएबल है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रही है ना। तो प्राइस या जो मार्केट वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी नेचुरल वैल्यू। क्लियर? हेलो। यस मैम। ठीक है, तो हाँ, जो रिकॉर्डो हैं ये कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो अपने एक्सचेंज वैल्यू या जो विनिमय मूल्य है वो दो चीज़ों से प्राप्त करते हैं। वो है पहला स्कार्सिटी स्कार्सिटी या जो दुर्लभता इसको हम कहेंगे या कमी कहेंगे सीधे शब्दों में किसी वस्तु की, और दूसरा है द क्वांटिटी ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी। तो वस्तु का जो विनिमय मूल्य है, एक्सचेंज वैल्यू है कि बाज़ार में जो वस्तु है उसका कीमत क्या है ना, ये जो विनिमय मूल्य है ये मार्केट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में ही विनिमय होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितना दुर्लभ है। तो पहले जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है, उसकी कमी पड़ती जा रही है। तो प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है, सीधे सीधे तौर से इससे रिलेटेड है। अगर कोई चीज़ दुर्लभ होती जा रही है तो वो महंगी होती जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है द क्वांटिटी ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और ऑब्टेन द कमोडिटी। और दूसरी चीज़ इस पे डिपेंड करेगा कि उस वस्तु को बनाने के लिए या ऑब्टेन या प्राप्त करने के लिए कितने लेबर की या कितने श्रम की मात्रा उसमें लगी है। ठीक है, हो सकता है कि कोई चीज़ खदान से ला के सीधे सीधे आपको मार्केट में मिल जा रही हो, है ना, मतलब कुछ भी आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको आप प्राप्त कर रहे हैं कहीं से जाकर। जैसे कोयला है, कोयला को खदान से लेके आए, आप मार्केट में रख दिए, तो उसमें आपने कुछ किया तो नहीं है, है ना, लेकिन आप उसको प्राप्त करने के लिए लेबर ने मेहनत की है। तो उस मेहनत पर डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का मूल्य क्या है। ठीक है, और स्कार्सिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि हीरा है, हीरा क्या है, दुर्लभ है एज कंपेयर टू दी डायमंड, सॉरी कोल। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि दोनों को लाने के लिए हो सकता है कि समान मेहनत करने पड़े, लेकिन जो हीरा है वो दुर्लभ है, उसको खोजने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है, उसमें ज़्यादा डेलिकेटली आप उसको हैंडल करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्कार्सिटी एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी डिटरमिन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ गुड इन द मार्केट। क्लियर? यस। ठीक है, इसके बाद जो है उनका रेंट है, रेंट की जो थ्योरी है रिकॉर्डो की, आप जानते हैं कि रिकॉर्डो का, अगर आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो का पेपर पढ़ा था तो उसमें रेंट की रेंट में भी था, आई डोंट रिमेंबर करेंटली, तो उसमें आपने रिकॉर्डो की थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो रेंट जो है वो भूमि पर मिलता है सबसे पहली बात तो,
आज के शब्दों में जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम जिस रेंट की बात करते हैं ना, कि हमने अपने मकान का रेंट चुका दिया या इस तरह का, वो वाले रेंट की बात नहीं करते हैं रिकॉर्डो। रेंट का मतलब है कि जो भूमि की इनडिस्ट्रक्टिबल जो पावर्स हैं सॉइल की, उसको यूज़ करने के लिए या उसको यूज़ करने पर जो लैंड लॉर्ड को या जो प्रॉपरेटर है उसको जो प्रॉफिट मिलता है या धन मिलता है, उसे ही हम रेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ। ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉयल। नीचे जगह नहीं है, ओरिजिनल एंड ठीक है, मतलब कि जो रेंट है वो भूमि की वास्तविक तथा अक्षयकारी शक्तियों के इस्तेमाल करने से प्राप्त होती है। ठीक है, भूमि को ही इन्होंने लैंड रेंट जनरेट करने के योग्य माना। ठीक है, दूसरी दूसरी बात ये रिकॉर्डो जो है वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी प्रॉपरेटर ने या लैंडलॉर्ड ने उस पर इरिगेशन किया है या फर्टिलाइज़र डाला है या कुछ और उसमें उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अगर उसमें कोई काम किया है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर वो तो प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस जिस हम रेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो भूमि की ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स को यूज़ करने के फलस्वरूप जो हमें पैसा पैसा नहीं धन मिलता है या जो भी कुछ हमें काइंड के रूप में उपलब्ध मिलता है वस्तु के रूप में उत्पादन के रूप में, तो उसे हम लगान कहते हैं। ठीक है, तो लगान जो है ये प्योरली कैसा फिनोमिना है, भूमि से रिलेटेड है, जो भूमि हमें नेचुरली प्रदान करती है। ओके, क्लियर? दूसरी बात ये कि यस मैम। हाँ रिकॉर्डो हैं वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर में या किसी भूमि पर खेती करते जाते हैं, तो उस पर हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, कि क्योंकि उसकी जो शक्तियां हैं उत्पादन की वो कम होती जाती है। दूसरी बात, रेंट को एक और तरीके से इन्होंने बताया कि जो भूमि की अलग अलग भूमि की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है, मतलब डिफरेंट लैंड जो है उनकी प्रोडक्टिव पावर्स अलग होती है। तो कुछ
भूमि हो सकती है वो बहुत उपजाऊ हो, और हो सकता है कि कुछ भूमि हो उससे कम उपजाऊ हो, और एकदम अनुपजाऊ भूमि जिसे आप मार्जिनल लैंड कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करती है। तो जब हम शुरुआत में भूमि पर खेती करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी सबसे उपजाऊ भूमि को चुनते हैं और उस पर खेती करना स्टार्ट करते हैं। फिर जब डिमांड बढ़ता है तो हम उससे कम उपजाऊ वाली भूमि पर खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हमें लेबर तो दोनों पर समान लगाना पड़ रहा है, लेकिन पहले वाली जो भूमि जो ज़्यादा उपजाऊ थी वो थोड़ा हमें अतिरेक प्रदान करती है, तो उसे भी हम रेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू दी आपके रिकॉर्डो। और जो इस कंडीशन में इस स्टेज पर जो कम उपजाऊ भूमि होगी उसे हम मार्जिनल लैंड कहते हैं। फिर मान लीजिए और हमारी डिमांड बढ़ गई लैंड की, तो हम और कम उपजाऊ वाली भूमि को भी यूज़ कर लेते हैं और उस पर प्रोडक्शन और खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कम उपजाऊ या बंजर भूमि होती है उसको रिकॉर्डो ने मार्जिनल लैंड माना है। ठीक है, तो रेंट पे हमको बहुत ज़्यादा नहीं उनकी थ्योरी देखनी है, हल्का हल्का हम बस जो मेन मेन पोर्शन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही पढ़ाते हैं। दो तीन इनके प्रॉफिट है, वेज है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी है, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके।